से इस वक्त की बड़ी खबर। उन्नाव में नहीं थम रहा है कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला। ऑरेंज जोन बने उन्नाव को क्या मिल जाएगी रेड जोन की उपाधि। 11 पुलिस कर्मियों को कोरोना संदिग्ध देख किया गया क्वारंटाइन। अपने घर गोरखपुर जा रहे प्रवासी मजदूर की नवाबगंज टोल टैक्स पर हुई थी मौत। मजदूर के शव को लेने आए उसके दो परिजनों की रिपोर्ट गोरखपुर में आई थी कोरोना पॉजिटिव। मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर ने उन्नाव जिला प्रशासन को पत्र लिखकर दी थी सूचना। मुख्य चिकित्सा अधिकारी की सूचना के बाद से उन्नाव प्रशासन में मचा था हड़कंप। मृत युवक के परिजनों की चपेट में आए थे उन्नाव के एक दर्जन पुलिसकर्मी। नवाबगंज चौकी प्रभारी सहित 11 पुलिसकर्मियों को किया गया क्वारंटाइन। उन्नाव के सरस्वती मेडिकल कॉलेज में सभी पुलिसकर्मियों को किया गया भर्ती। जो है क्वारंटाइन किया गया है, क्या मामला है और कितने पुलिस वालों को किया गया? देखिए, थाना गैंग में जो अपना नवाबगंज टॉल है वहाँ पे जो है सवारी जो पैसेंजर थे उनकी मृत्यु हो गई थी जाते वक्त रास्ते में। फिर उनको हैंडल किया गया था और उनको फिर बाई व्हीकल गोरखपुर भेजा गया था। तो आज उसकी रिपोर्ट आई थी, उसमें से दो लोग वहाँ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो उनको हैंडल करने में जितने हमारे पुलिसकर्मी की जो टीम थी, जिसमें कि उनका इंस्पेक्टर ब्रांड है, ब्लैंक इंस्पेक्टर ब्रांड है और तीन SI हैं और कॉन्स्टेबल्स हैं, जो कुल 15 लोग हैं, वो लोग उसमें शामिल थे। तो एहतियातन उन सबको क्वारंटाइन किया गया है और उनका सही जगह आ जाएगा कोविड का टेस्ट लगाएगा और फिर आगे जैसा होता है 14 अभी 13 जो है अपना खुलवा देना।